ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରୀର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲଢ଼ାଯାଇ ନଥିଲା ଏହା ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା ମାନବବାଦର ମାନବତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଭାରତ ପାଳନ କରୁଛି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରୀ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଶୂର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଏହି ଅବସରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କନକ୍ଲେଭ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ মাত্র চৌদ দিন লড়া যাই এই যুদ্ধে তিন বাহিনীর উপযুক্ত সমন্বয় যোগ বিজয় মুকুট পিধি ভারত বদলি যাই এশিয়া মহাদেশর মানচিত্র হারি পাকিস্তান এবং জন্ম নিয়ে এক নূ দেশ বাংলাদেশ পাানবে হাজার সৈন্য ভারতীয় সেনা আগে আত্মসমর্পণ করে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে সবুঠ বড় আত্মসমর্পণ এই যুদ্ধ এই যুদ্ধ দ্বারা বিশ্বের মানববাদ

Inputs भी उपलब्ध कराई साथियों और जैसा कि मैंने पहले कहा वर्ल्ड कम्युनिटी को भी हमें कॉन्फिडेंस में रखना था और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ोस में हो रहे अत्याचार और शोषण के बारे में अवेयर कराना था इसी बीच हम वह भी करने में पूरी तरह से सफल रहे कहने का मतलब यह है तीन दिसंबर 1971 को जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रिली पूरी तरह तैयार थे और इसका परिणाम क्या हुआ आज हम सभी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे अच्छी तरह वाकिब है हमारे देश के पोलिटिको मिलिटिकल थाट एक्शंस के कांग्रवेंस ने एशिया में एक नए राष्ट्र को जन्म दिया शोषण और अन्याय को पराजित कर एक बार फिर यह साबित किया कि यतो धर्म तय यानी जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है जब मैं यहाँ धर्म कह रहा हूँ तो उससे मेरा मतलब किसी रिलीजन कम्युनिटी या सिक नहीं है धर्म से मेरा मतलब उस विशाल मानव धर्म से है जो सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यंतु मां कश्य दुख भाग भवेत के भाव पर पूरी तरह से आधारित है जब हम विशाल मानवता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह उतना मायने नहीं रखता कि किसी की इंडिविजुअल बिलीफ क्या है इसलिए साथियों क्या फर्क पड़ता है कि वार की पूरी कमान जिन्होंने संभाली जनरल मानिक शाह एक पारसी थे क्या फर्क पड़ता है कि उस समय हमारी एयरफोर्स के चीफ मिस्टर पीसी लाल एक हिंदू थे क्या फर्क पड़ता है कि नार्दर्न सेक्टर में तैनात जनरल ऑफिसर इन कमांड एयर मार्शल लतीफ एक मुस्लिम थे क्या फर्क पड़ता है कि स्टोन कमांड कमांड के, के जनरल ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा सिख थे और क्या फर्क पड़ता है कि ढाका में जाकर जनरल नियाजी से सरेंडर के लिए नेगोशिएट करने वाले मेजर जनरल जैकब एक जीव थे फर्क इस बात से पड़ता है साथियों कि इन सबका संघर्ष एक सबसे ऊंचे धर्म के लिए था और वह था मानवता का धर्म ढाका में 16 दिसंबर उन्नीस की इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइनिंग के साथ ही अनगिनत बंगाली बहनों और भाइयों पर किए किए जा रहे भयानक अत्याचारों का अंत हो गया यह अत्याचार केवल इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी भाषा अपनी संस्कृति के संरक्षण और सहज मानवाधिकारों की मांग करने लग गए थे मुझे यह भी कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा देश हमेशा से इस धर्म की राह पर चलता रहा है और निस्संदेह आगे भी हमारा यह भारत चलता ही रहेगा